ललितपुर में स्वयं के अपहरण की योजना बनाकर 10 लाख की फिरौती की मांग और फिर फिरौती की मांग पूरी न करने पर हत्या की धमकी का ललितपुर पुलिस ने किया सभी को चौंका देने वाला खुलासा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ललितपुर जिले के थाना मैरोनी पुलिस एवं एसओजी और सर्विलांस टीम एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने पर एवं ना देने पर हत्या की झूठी रचना देने वाली घटना का खुलासा कर दिया है, जिसमें अपहरण के भाई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि अपहरण के लिए 10 लाख रुपए की मांग करने और ना देने पर उसकी हत्या के संबंध में पर्ची भेजी गई है, जिसकी सूचना के आधार पर थाना मैरोनी में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्त की बरामदगी व घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मैरोनी के पर्यवेक्षण में 4 टीमें एसओजी सर्विलांस साइबर व थाना स्तर से गठित की गई हैं। अपहर्त के मोबाइल का सर्विलांस के माध्यम से विश्लेषण किया गया। पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में दबिश दी गई थी। अभियुक्त मक्कर रजक को स्वयं के अपहरण की साजिश रचने, बहन को षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त माखन द्वारा पुलिस ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से अपनी ससुराल ग्राम कैलुगुवा में रह रहा था और मेरे ससुर ने मेरे नाम पर 2 एकड़ ज़मीन कर दी थी, जिसमें मैं खेती करता हूँ। मेरे ससुर से मेरा विवाद हो गया था, जिसके कारण मैं ठेकेदारी का काम कर रहा था। मैं पिछले 1 महीने से अपनी किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें मैंने अपनी बहन को शामिल किया था। के माध्यम से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है इसमें एक चौंकाने जनक जो है तथ्य सामने आया कि जो माखन सिंह है इनका किडनैपिंग की बात हुई थी, वही इस पूरे किडनैपिंग के जो है मेन अभियुक्त हैं और उनके द्वारा पिछले 1 महीने से स्वयं की किडनैपिंग की जो है एक आपराधिक षड्यंत्र जो है वो इनके द्वारा रचा गया था। इसके जो मोटिव इनसे पूछा गया उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने ससुराल में जो है वो बसे हुए थे और इनके ससुर ने इनको 2 एकड़ की ज़मीन जो है वो इनके नाम पे किया हुआ था। ससुर और इनके बीच में जो है कभी कभी लड़ाई जो है वो हो जाया करती थी। इसके वजह से इनके द्वारा जो है अपने ससुराल को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर घर बनाने के लिए और अपने आप को शिफ्ट करने के लिए इनके द्वारा प्रयास जो है वो किया जा रहा था। उसके लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी और इनको भरोसा था कि इनके भाई और इनके ससुर जो है वो अपनी ज़मीन को बेच करके इनको 10 लाख रुपए जो फिरौती की रकम है वो दे इनको मिल जाएगा और उससे जो है ये अपना दूसरे जगहों पर घर बना करके ये शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके का षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा गया था और इसमें इनका सहयोग जो है वो इनकी जो एक सिस्टर है इनका नाम जो है शीला है, उनके उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल था सहयोग में। तो इन दोनों ने ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। आज इनको जो है दोनों को अरेस्ट करके इनको आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरी हमारी टीम को जो है क्योंकि बहुत ही संवेदनशील जो है एक प्रकरण था, ये उसको बहुत तत्परता के साथ जो है विदिन 14 घंटे के अंदर में जो है हमारे टीम ने इसको जो है ट्रैक डाउन किया है। उस पूरी टीम को जो है 25,000 रुपये का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र जो है वो भी मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है।